ये एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है आपने टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को इतना डेवलप कर लिया जो एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पहले बहुत कुछ हम सोचते थे पर कर नहीं पाते थे क्योंकि लिमिटेशन था डाटा कंस्ट्रक्ट करने का स्ट्रक्चरिंग करने का एक्सेल पे कर सकते हो बहुत हद तक काफी कुछ आप एक्सेल पे कर सकते हो

ओ, दो 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 आपके हिसाब से कितना कैपिटल से आदमी काम कर सकता है विद एल्गो <laughs> नमस्ते फ्रेंड्स हमने राजेश श्रीवास्तव जी के साथ एक पॉडकास्ट किया है एज अ कॉमन मैन एल्गोरिदम हमें कैसे हेल्प कर सकता है डेटा रीडिंग और क्रंचिंग हम कैसे कर सकते हैं बेसिकली एल्गो होता क्या है और क्या काम में आता है इसके क्या रिस्क हैं क्या फ़ायदे हैं डेटा कैसे एनालाइज़ करते हैं खास करके एक्सेल यूज़ करके सिर्फ डेटा देख के कैसे बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक में बाइंग या सेलिंग आ रही है या फिर ऑप्शन चेन को कैसे स्टडी करें एक्सेल पे ये सब चीज़ें हमने राजेश श्रीवास्तव जी के साथ पॉडकास्ट में डिस्कस किया है आई होप आपको इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखिएगा नमस्ते फ्रेंड्स आज हमारे साथ हैं कौनस में डेटा क्रंचिंग के मास्टर मिस्टर राजेश श्रीवास्तव 22 इयर्स से स्टॉक मार्केट में है और डेटा क्रंचिंग जिसे हम डेटा एनालिसिस कहते हैं खास करके एफ एंड ओ स्टाइल में ओपन इंटरेस्ट है लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप किसी भी तरह का डेटा इनको दे दो एफ आई आई डेटा प्रो डेटा क्लाइंट डेटा सबको क्रंच करके उसके अंदर से निचोड़ कर अपने काम की स्ट्रैटेजी निकालना इनको बखूबी आता है जो मास्ट्रेट इनकी है आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये अपना टाइम निकाल कर हमें सिखाने अपने बारे में बताने और कैसे आगे बढ़ा जाए कैसे हम डेटा क्रंचिंग सीख सकते हैं उससे स्ट्रेटजी कैसे सीख सकते हैं तो 22 साल के इस एक्सपीरियंस को ज़रा हम भी इनकेश कर लें तो राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड गिविंग योर टाइम फॉर द इंटरव्यू नमस्ते मैम हमारे व्यूअर्स भी आज खुश हो जाएंगे कि उन्हें डेटा से रिलेटेड सारे डेटा इसके से समझने हैं उनकी एक आइडिया मिल जाएगी तो आपने टेक्नोलॉजी वाइज अपने आपको इतना डेवलप कर लिया जो एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 22 इयर्स में टेक्नोलॉजिकली क्या चेंजेस देखे और कैसे अपने आप को इसके साथ अपडेट रखा यस uh, yes, uh... कॉमन में के मुश्किल नहीं है कॉमन में अगर चाह दे तो कर लेगा है ना देखो वो चाहने वाली जो बात है ना वहां पे आके सब कुछ खत्म हो जाता है आ, कि चाहते सब कोई है लेकिन <laughs> उसके अंदर इंटरेस्ट लेके रेगुलर कितने होते हैं हाँ तो वहां पर आता है आ, आपका इस ट्रेडिंग इज योर तो ब्रेड एंड बटर और ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है आपका ओके सो इफ इट इज योर ब्रेड बटर आप चाहो या ना चाहो दैट ठीक है तो वो एक है और ये टेक्नोलॉजी वाली बात आपने पूछी कितना बदल गया ये पूरा बदल गया पहले तो अगर आप 10, 2010 मैंने साल आगे पीछे हो सकता है एक साल आगे दो साल पीछे, तब तक फ्री में आप चार्ट भी नहीं दे सकते थे जब तक कि ब्रोकरेज से तो आप सारे ब्रोकरेज से चार्ट मिलते हैं विदाउट कॉस्ट पर उस समय तो वो भी नहीं थे ठीक है अब तो टिक बटिक आ रहे हैं आ, ये भाव कॉपी डाउनलोड करना अब तो काफी अच्छा वेबसाइट है काफी अच्छा वेबसाइट है पर पहले वो बहुत बहुत मुश्किल था तो टर्मिनल हुआ करते थे ओडिन के नेस्ट के है ना उसमें एक ऑप्शन होता था डाउनलोड भाव कॉपी आई थिंक अभी भी होगा वो ऑप्शन खत्म नहीं हुआ एटलीस्ट uh, है कुछ 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 में है तो डेटा uh, के नाम पर एक, एक भाव कॉपी हुआ करता था और आप अभी भी अभी भी मैं बहुत बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि फुल टाइमर नहीं है बट भाव कॉपी को यूज़ करते हैं बट उसको सिर्फ प्लेन वनीला ही यूज करते हैं उस पर उस डेटा पे कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं कुछ मैनुफैक्चर उस डेटा से नहीं बना रहे हैं तो चार्ट तो था ही नहीं पर आ, जैसे जैसे हम ग्लोबल मार्केट से नो वी टू टू प्रैक्टिस चार्ट बन के आ गए हैं फिर अभी आप देखो कितने सारे एप्लीकेशंस हैं टूल्स हैं अगर आप धन के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करो तो ऑप्शन के आ, नो रेडीमेड स्ट्रेटजीज के टूल्स हैं सारे कुछ हैं तो एक तो ब्रोकरेज ड्रिवेन एडोप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है दूसरा रिसर्च और एनालिसिस के लोगों ने अपने अपने मेथड्स डेवलप किए अब उन मेथड्स को आप एक्सेल पे कर सकते हो बहुत हद तक काफी कुछ आप एक्सेल पे कर सकते हो पर एट वन पॉइंट आप आप हार जाओगे क्योंकि देखो मान लो जैसे एक हम हम मेथड है चौदह दिन का मीडियम एवरेज कितना है तो आपको पिछले चौदह दिन का डेटा निकालना पड़ेगा तो मैनुअली वो बहुत मुश्किल था तो फिर, आ, फिर हमने शुरू किया चलो ऐसे कैसे कर दें तो उ, उस जमाने में एक एम एक्सेस टूल हुआ करता था तो उसमें स्टोर करते थे फिर उससे निकालते थे फिर ऐसे एक निखिल करके एक दोस्त मिला फिर उसने थोड़े पाइथन के यूजेस ला दिए तो शुरू तो एक्सेल से हुआ फिर एम एस एक्सेस पे गए फिर पाइथन और एक बार जब उसका आइडिया हो गया कि अरे ये तो हम जो सोच सकते हैं वो हो सकता है पहले बहुत कुछ हम सोचते थे पर कर नहीं पाते थे क्योंकि लिमिटेशन था डेटा कंस्ट्रक्ट करने का स्ट्रक्चरिंग करने का पर एक बार टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला और हमने शुरू में कोई ऐसे मैंने ये सोच के नहीं लिया था कि इस पर बिल्ड करेंगे ट्राई करते हैं और वो फिर वहाँ से बनता गया तो

रिटेल का एक चीज मैं भी रिटेल हूँ एक चीज है विशफुल ट्रेडिंग हम बहुत करते हैं जो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं एल्गोरिदम टेक्स केयर ऑफ दैट पीस आप आप विशफुल नहीं करते हो दूसरा अगर आपका प्रोफेशन नहीं है आप दस बजे एक ऑफिस की मीटिंग है आपने एक सौदा ले लिया हो सकता है वो स्टॉक लॉस आप मैनुअली नहीं मैनेज कर पाओ एल्गोरिदम कैन हेल्प यू देयर तो सो एल्गोरिदम so के बहुत सारे स्टेजेस हैं बिगनर है प्रो है एकदम तो अल्ट्रा प्रो है एच एफ्टी तक के हैं पर रिटेल अगर रिटेल चाहे कि मुझे ऑटोमेशन को एडॉप्ट करना सो so, सो so ऐसे करें एल्गो इज ऑटोमेशन ऑफ योर और स्ट्रेटजी उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता लोगों को डर तो मुझे कोडिंग नहीं आती मैं कैसे करूंगा हाँ कोडिंग मुझे भी नहीं आती है मैंने <laughs> 38 इयर्स में रिंग ट्रेडिंग से लेके जहाँ पे कंप्यूटर नाम की चीज हुआ भी नहीं करती <laughs> थी वहां से आज तक का सफर तय किया मुझे कोई भी चीज में कहीं कोई रुकावट तो, भी तो, आई लेकिन कोडिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है ये इज नॉट माय कप ऑफ टी अच्छा तो उसको ऐसा करते हैं एल्गो ट्रेडिंग को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं इंडेक्स की ट्रेडिंग और स्टॉक की ट्रेडिंग स्टॉक को भी आप दो हिस्से में कर दो नॉन डेरिवेटिव डेरिवेटिव ठीक है नाउ जब इंडेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं और ये जो फियर है कोडिंग नहीं आती है आपको पता तीन सौ से लेके हजार पंद्रह सौ रुपए के फी पे देर आर प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द मार्केट वेर यू कैन गो एंड एंड ड्रॉप डाउन योर टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीजी इंडेक्स ट्रेडिंग के ऑप्शन बाइंग के ऑप्शन सेलिंग के प्रीमियम बेस्ड स्ट्राइक बेस्ड डेल्टा बेस्ड सो जैसे आपने आपने ये सोचा कि चलो आ, आ, नौ बज के बीस मिनट पे ए टी एम प्लस वन स्ट्राइक दोनों ओर कॉलर को बेच दो

एक सर्वर चलाना फिर सर्वर को ब्रोकरेज से कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है तो उनके लिए देर आर पीपल हु ऑफर दिस एज सर्विस आप उनसे बात करो और वो आपका स्ट्रेटेजी कोड करके अपने प्लेटफॉर्म रख के या ब्रोकरेज को दे करके एक्सचेंज से अप्रूवल लेकर के ब्रोकरेज के सिस्टम में डाल के चला सकते हैं तो क्या वो कॉस्टली पड़ेगा एक कॉमन मैन के लिए या रिटेल के लिए जिनका पोर्ट जो मतलब सिर्फ पचास एक से हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी पे अगर आपका एल्गोरिजम बहुत ईजी है तो बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता है बहुत कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि उसमें थोड़े प्रोसेस होते हैं आप मान लो अपने लिए बना रहे हो तो इनकेस आपको डेटा कैसे सोर्स करना पड़े हिस्टोरिकल डेटा निकालना पड़े तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन देर आर पीपल हु विल डू इट फॉर यू एंड हैंड ओवर यू द एल्गोरिदम तो आ, सोचने में वो डिटरेंट लगता है कि नहीं नहीं बहुत मुश्किल है करना बट एक बार आप ठान लो तो दो दिन का काम है

Uh, तो वो डिपेंड करता है आपका रिस्क पटाइट क्या है आपका डिप्लॉयमेंट करने का यू नो प्लान्स कैसे हैं तो बट जैसे हम रिटेल की बात कर रहे हैं जिसके पास पचास हजार रुपए हैं उसके लिए एल्गो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट वेरी कॉस्ट बेनिफिशियल है ना uh, एक समय आएगा जैसे इंडेक्स ट्रेडिंग में तीन से पांच में हो जा रहा है तो उनके लिए तीन सौ तो चलो पचास हजार का पचास में होना मुश्किल है डेढ़ लाख रुपए दो लाख रुपए चाहिए बट तीन में हो जा रहा है स्टॉक तो के लिए भी एक समय आएगा हो जाएगा एक बात बताइए एल्गो ट्रेडिंग में भी क्या कोई रिस्क होता है डेफिनेटली एल्गो uh, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे वो इक्वल रिस्क है जो मैनुअल ट्रेडिंग में है द ओनली थिंग इज कि आप आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे निकल जाते हो मैनुअल ट्रेडिंग आप बोलते हो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ पाँच मिनट और ट्राई करता हूँ तो द रिस्क इज इक्वली देर बट द चांसेस ऑफ आप इग्नोरिंग द रिस्क इज जीरो आप मैनुअल ट्रेडिंग में आप रिस्क को इग्नोर कर देते हो और इसके अलावा मॉनिटरी रिस्क के अलावा भी क्या एल्गो में कोई रिस्क है देयर आर टेक्नोलॉजी रिस्क देखो टेक्नोलॉजी है तो वो डाउन जाता ही जाता है हमने तो एक्सचेंजेस को डाउन जाते देखा है तो देयर आर टेक्नोलॉजी रिस्क बट वो वी टू सर्वाइव विद दैट

बियड माई कंट्रोल अगर मैं अपना बिल्ड कर रहा हूँ मैं डिपेंडेंट हूँ एक वेंडर पे या वो वेंडर डिपेंडेंट है किसी और डेटा पीड वेंडर पे तब एक बड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन इन दैट केस यू कैन ऑलवेज लॉग इन टू योर अकाउंट एंड क्लोज योर ट्रेड्स एक आपने इतना सब बताया uh...

इनपुट इन कर दो ठीक है चलो वो भी नहीं आ रहा है या वो आ रहा है मेरा ब्रोकर से कनेक्शन टूट गया है दो तो चीज है या तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करो ट्रेड क्लोज कर दो है ना और अगर मान लो ब्रोकरेज बोल रहे कि नहीं नहीं मेरा तो एक्सचेंज से टूट गया है और वो सबके लिए हुआ है ब्रोकिंग्स तो आप कुछ नहीं कर सकते हो

ठीक है ना तो एल्गो पे मतलब वो इमीडिएटली स्टॉप लॉस सिस्टम आप सिस्टम बिल्ड कर सकते हो जो रीड करके दस सेकंड के अंदर नया स्टॉप लॉस भेज दे पर आ, दोनों तरह के एल्गोस है लोगों ने ब्रोकरेज के सिस्टम में भी यू नो ऑर्डर डाल रखा है और अपने सिस्टम पे होल्ड करते हैं जब वो भाव मैच करता भेज देते हैं तो दोनों तरह के हैं एट टाइम्स

उसका बैक टेस्टिंग हो जाएगा आप सोच रहे वो सही में एक ट्रेडेबल आइडिया है या बस विशफुल आइडिया है आप okay. हिस्टोरिकल बैक टेस्ट कर लोगे ना हाँ तो वो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं सिर्फ विस्टफुली सोच रहा था या ऐसा ट्रेड करेंगे या एक्चुअली ये फायदा दे सकता है तो जो सोच सकते हो वो कोड हो सकता है वो बैक टेस्ट हो सकता है तो आपने ये एल्गो बेस्ड

की हाँ हाँ। हाँ। तो शुरू तो उसने करी थी हाँ। फिर हमने थोड़े से वेंडर्स हाथ तो एक्सटर्नल हाँ हाँ इसको, इसको तो वेंडर्स को दिए फिर कुछ लोगों को हायर किया है ना तो हाँ। ये आ, ऐसे शुरू हुआ कि चलो हाथ आजमाने से फिर एक वेंडर हायर किया फिर, फिर टीम में हायर किया फिर ऐसे मैंने एक मिक्स ऑफ नहीं बनते हैं well, तो है, बट जो एल्गो का सिस्टम होता है, वो, वो तो चार सार, सार लग जाता है बनते बनते अब डेली एक नया चैलेंज इनकाउंटर करते हैं वो ठीक होने में सात दिन से दस दिन लगते हैं इन दस दिन में दस नौ चैलेंज आ गए हैं हाँ. तो फिर वो बनते बनते तो ऐसे मैंने शुरू हुआ था खाता जमाने से लेकर के वो बनता गया फिर कोरोना में तो हम सब घर में बहुत बैठे हुए थे तो हम लोग पाँच बजे सुबह उठ जाया करते थे यही करते थे ओके <laughs> okay, तो आप ये सब करते करते आज स्टेज पे मतलब डेटा हाँ, पूरा इसको इसी को डेटा क्रंचिंग कहते हैं नहीं डेटा क्रंचिंग के एक एग्जांपल आज देखेंगे एक तो डेटा क्रंचिंग इसे हमें कल कौन सा ट्रेड करना है ठीक है तो आई कैन टेल दिस टू एल्वो कि ये 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 डेटा चेक करो बट अगर मान लो यू नो मैं कर सकता हूँ बट आप, आप मैंने कहा आप, आपके पास उतने रिसोर्स नहीं है कि आप एक टीम बना लो वो कर लो तो आप उसको मैनुअली कैसे करोगे तो वो हम आज एक देख, सकते हैं तो चलिए मुझे ना अब बहुत एक्साइटमेंट हो रही है हमारे व्यूअर्स को भी वो सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बातें लेके बैठ गई <laughs> तो मुझे आपकी जो स्ट्रैटेजी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और आप उसको कैसे हमको सिखाओगे तो दो पैसा हम भी कमा लें <laughs> पैसा देखो सो तो आज हम जिस की बात कर रहे हैं ये एक एक फ्रेमवर्क है सिर्फ ऐसा नहीं कि आप जाओ और एक स्टॉक यहाँ पर खरीद तो लो हम आज एक पूरे फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं क्या आप भी मेरी तरह स्विंग इंट्राडे और ऑप्शन तीनों में अच्छे प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो अफ्सर्स डॉट क्लब पे मेरा कम्प्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं 500 से भी ज्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं सो so, आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते अब इसका जरूरत क्यों पड़ा क्योंकि मैम देखो अभी आज जहाँ पे बाजार खड़ा है लोग दो खेमे में बटे हैं एक बोल रहे कि टॉप हो गया एक बोल रहे कि यार कितना ऊपर जाएगा और यू नो और दूसरा खेमा है नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं इंडिया पाँच ट्रिलियन में जाने वाला है पर एक रिटेलर जो नौ पांच की नौकरी करता है इस बीच थोड़ा टाइम निकाल कर ट्रेड कर लेता है या एक एक बंदा जो नए मेथड ढूंढ रहा ट्रेड करने के लिए पर वो भी कंफ्यूज है कि इतने सुन के टॉप बन गया क्या कितना ऊपर जाएगा तो हम उस फ्रेमवर्क में देखेंगे कि आज कहाँ हमने ट्रेड ढूंढना है ठीक है अब ये फ्रेमवर्क जी बिल्कुल बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी इस वक्त ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेज पे है कि हर आदमी ये कंफ्यूज है कि निफ्टी नया टॉप बनाएगा सत्ताईस हजार पे जाएगा छब्बीस हजार पे जाएगा या वापस तेईस हजार पे जाएगा की, की, की जाएगा, जाएगा, हाँ, बीस हजार लोगों से पिछले दो तीन वीक में बात कर रहा था तो समझा सबके पास दिसंबर का पुट है <laughs> अगर आप अगर वीडियो देख रहे हो तो सोचना आपके पास दिसंबर का पुट है या नहीं है तो मैंने तीन चार लोगों से सुना है कि हमने तो दिसंबर का ले रखा है अभी यूएस इलेक्शन आएंगे या यहाँ टॉप बन जाएगा दिसंबर तो सबने तो तो एक चीज तो है कि, कि भैया टॉप हो गया है इज दर एनी डेटा विशेष की अब हम देखो सिंपल है ऐसे समझते हैं आप हम आज डेटा की बात कर रहे हैं देर आर टेक्निकलिसंडलिस कुछ लोग तो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी करते हैं आप टेक्निकल में सोचो लोग स्कैनर स्क्रीनर्स बनाते हैं आप एक कोई भी स्क्रीनर चलाओ एंड ऑफ द डे या स्टार्ट ऑफ द डे आपको दोनों टाइप के ट्रेड मिलते हैं लॉन्ग और शॉर्ट आपको सोचना है कि हम लॉन्ग कब ले और कब नहीं ले शॉर्ट कब ले कब नहीं लें वो डिसीजन विल कम फ्रॉम अ फ्रेमवर्क कि आप मार्केट के कौन से स्टेज में हो सपोज करो मार्केट इज इन रोरिंग अप ट्रेंड सो देर आर डेटा सो डेटा यू कैन कंस्ट्रक्ट एंड से बॉस कुछ भी हो जाए ये मार्केट अप ट्रेंड है इसको बेचना नहीं है तो आपका जो स्कैनर है स्क्रीनर जो भी है आपको आपको उसने दस ट्रेड दिए पाँच लॉन्ग के पांच शॉर्ट के आपको लॉन्ग पे की फोकस करना है अब हो गए भाई लॉन्ग के भी पाँच है तो पांच में किसको लें अब यहाँ पर हम आएंगे सेक्टर वाइज एनालिसिस करने ठीक है तो मैं अपने स्क्रीन पे मैंने कुछ बना के लाया है आ, तो चलिए हमने तो, दिखाई तो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम डेटास को कैसे स्ट्रक्चर करें हुँ. कैसे समझें और उसके बेस पे हम एफ एंड ओ कैसे ट्रेड करें क्योंकि आज का क्रेज जो है वो ऑप्शंस ही है या पहले ना ये तो बुद्ध है लॉन्ग लॉन्ग या शॉर्ट पहले ये डिसाइड कर लेते हैं मार्केट ट्रेंड्स अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अपन लॉन्ग पे जाएंगे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड इज इज यू नो करंटली फिटी चैलेंज तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या यू नो फिटी स्टेज ऑफ द मार्केट हैज टू कम फ्रॉम है डेटा ड्रिवन मेथड्स देर आर वेरियस मेथड्स ओके पीपल पीपल आर यू नो पीपल हैव रिटन लॉट ऑफ बुक्स ऑन टू दैट यू नो विलियम ओनिल जी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है uh, काफ़ी काफ़ी किताब से है, तो आप उससे डिसाइड कर ट्रेंड क्या है उसके बाद लॉन्ग तो तो you know, में पांच कौन सा कर रहे हैं तो एक सेक्टर फ्रेमवर्क बनाएंगे तो हमने क्या किया है आ, अच्छा देखो सेक्टर स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव uh, स्ट्रेंथ का है कुछ लोग इन्हें यूज करते हैं कुछ लोग आर ओ सी और रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज करते हैं तो हमने <coughs> तीन मेथड्स निकाले हैं और uh, ये हर मंडे पब्लिश भी करते हैं हम रिलेटिव स्ट्रेंथ का रेट ऑफ चेंज तो हमने निफ्टी को जीरो uh, मान लिया है ठीक है एनी थिंग प्लस वन इज अ आउट परफॉर्मर एनीथिंग माइनस वन इज अ वीकनेस अंडर परफॉर्मर Now, the higher is the count is the strongest sector. The lower is the count is the weakest sector. ठीक है? अभी इसमें हमने क्या किया? जैसे आप देखो कि uh, Nifty IT. अच्छा ये डेटा एकदम आज का नहीं है कि ये तो थोड़ा दिन बाद लोगों को तो आएगा. पर बता दूँ. जैसे ये 3.75 है Nifty IT. तो अगर Nifty zero है और IT 3.75 है, तो बोलोगे Nifty IT is stronger. But you know what? Just see seven more days. Like this is seven days calculation. This is fourteen days calculation. ठीक है? इट वॉज मच स्ट्रोंगर लाइक सिक्स पॉइंट थ्री नाइन तो ऑल दो इट इज लुकिंग स्ट्रांगर टूडे बट इट इज गेटिंग वीकर फ्रॉम वेयर इट वॉज नाउ वट हैव डन जैसे निफ्टी अभी भी जीरो है यह माइनस सेवन है पर देखो ये माइनस सेवन से माइनस थ्री आ गया तो कैन आई से निफ्टी मेटल इज गेनिंग द मोमेंटम सो इन दिस एनालिस आई कैन बी श्योर कि निफ्टी मेटल इज गेनिंग मोमेंटम ऑफकोर्स नॉट द स्ट्रांगेस्ट वन बट फ्रॉम वीकेस्ट टू गेटिंग बेटर तो दो तरीके है या तो आप नेट आर कर लो सेवन डेज और फोर्टीन डेज के डिफरेंस को या दूसरा सबसे स्ट्रांग जो है उस सेक्टर को पकड़ लो तो निफ्टी आई अब चलो ये तो सात दिन का कंपेयर है और ओनली विद द निफ्टी हमने इसको थोड़ा एक्सट्रीज और आगे ले गए हैं पहले यहां पर आते हैं हमने निफ्टी आईटी को निफ्टी ऑटो से कंपेयर किया निफ्टी आईटी को निफ्टी बैंक से कंपेयर किया. किया तो अगर निफ्टी आईटी को ऑटो से कंपेयर किया तो 1.6 पॉइंट सिक्स निफ्टी आईटी टी इज जीरो

बट एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनना इतना आसान भी नहीं है पहले तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए और ऑप्शन से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने अपसर्स डॉट क्लब के ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स कोर्स में कवर किया है आज ही एनरोल कीजिए चलो अब वीडियो में वापस चलते हैं ओ, ओ, तो अगर आप हमने सारे सेक्टर निकाल का निकाल कर एक सम टोटल कर दिया तो इस इस स्टेज पे हमने सिर्फ सेक्टर को निफ्टी से कंपेयर किया स्टेज पे एक एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से कंपेयर कर दिया और एक नंबर दे, दे गए सबको सबका जो तो सम टोटल है जो सेक्टर इज द स्ट्रॉगेस्ट एम ऑल सो नो अगर मुझे अब दस स्कैनर से दस स्टॉक आए ना बट अगर उसमें निफ्टी आई टी का फर्स्ट गो विद विद्टी आई टी बिकॉज इट इज नॉट परफॉर्मिंग बेटर देन देन निफ्टी इट परफॉर्मिंग बेटर ऑल द सेक्टर्स तो हमारे हमने पहले एनालिसिस किया निफ्टी आई टी जे स्ट्रॉगर सेक्टर अब हम निफ्टी आईटी को बाकी सेक्टर से भी कर लिए और एक एक उसको एक नंबर देते गए एंड एंड में सबका टोटल कर दिया हमने तो अब हमें पता है निफ्टी आईटी इज नॉट ओनली परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी बट इट परफॉर्मिंग बेटर देन ऑल अदर इंडेक्स तो अब मेरे स्क्रीनर में स्कैनर में पांच में से अगर एक निफ्टी आई तो पहले मैं उस पर तो फोकस करूंगा बाकी चार पे करूंगा ओके ठीक है तो पहले हमने मार्केट क्वान्टिफाई किया लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट क्यों जरूरी था ना बाजार पच्चीस हजार पे है बाजार चौबीस हजार पे लोग बोला कितना ऊपर जाएगा अरे शॉर्ट वाला पहले पकड़ते हैं नहीं करना पहले जो ट्रेंड है उसमें से स्टॉक पकड़ना है हम सिर्फ हम सोच रहे मार्केट गिरेगा शॉर्ट वाला नहीं पकड़ना तो मार्केट क्वान्टिफाई करो फिर सेक्टर को ड्रिल डाउन करो ठीक है हमने ऐसा ही किया कि आ, सेक्टर में और एक फर्दर हम लोग आगे जाके लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म कर दिया जैसे अगर आप देखो आ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये वन डे कंपैरिजन

आज लॉन्ग शॉर्ट कैसे निकालोगे आज कौन सा स्टॉक में ट्रेड हाँ, लोगे तो हम सिंपल आज हम मतलब ये ये सिंपल स्टॉक का डाटा है जो हमने भाव कॉपी से निकाला है सिंपल सिंपल मैं नहीं चाहता था हमारे जो व्यूअर हैं वो बहुत कंफ्यूज हो हाँ, क्योंकि उसको देख के एक्चुअली कुछ हाँ, समझ में नहीं आ रहा था हाँ, कि मैं क्या करूं क्या देख रही हूं अब ये आप मुझे जिसे भाव कॉपी कहते हैं वो है ये भाव कॉपी है राइट आपके वीडियोस हैं यहाँ पे लॉन्ग बिल्ट अप शॉर्ट अप के है ना अभी अपने व्यूअर को है जानना है कि आज फ्यूचर में हम हम ऑप्शन पे भी आएंगे कौन से स्टॉक में सबसे अधिक काम हुआ है ठीक है बस आप भावकॉपी से लॉट वाइज कर दो परसेंटेज वाइज नहीं करो क्योंकि ये टी का है देखो चार हजार दो सौ लॉट का काम हुआ है ठीक है ठीक है पर अगर आप अगर आप ओआई को ट्रैक करते हो परसेंटेज में पाँच तो परसेंट देखेगा यू इग्नो पाँच परसेंट ओआई आई चेंज देखिए बड़ा बात है पर तो आप देखो बाजार में आ, सबसे बड़ा काम तो चार हजार दो सौ लॉट का वॉर एक लॉट में ढाई लाख रुपए लगते हैं कितने लाख रुपए लग गए दे, हैं देखो इतने पैसा राइड कर रहे हैं तो जस्ट बिकॉज बनी बनाई जो हमारे थॉट प्रोसेस है परसेंटेज चेंज ओ चेंज प्राइस चेंज हमको कन्फाइन नहीं होना है हमको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल थॉट लाने हैं ठीक है देखो हमने हमने बहुत बार इस बात को पिछले छह महीने में कहा फिर कर रहा हूँ थोड़ा अनकन्वेंशनल हम भी हो जाएंगे वो तो मैंने देखा है इतने सालों में कि, कि जब भी मैं किसी चीज के साथ अब कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ कि भाई ये तो अपने पकड़ में आ गई अब ये अपनी एकदम स्मूथली रन करती है और वो मुझे और कॉन्फिडेंस दे के दो चार छह महीना और स्मूथली रन करेगी उसके बाद मुझे अचानक से दिखेगा कि मेरी बनी बनाई स्ट्रेटेजी फेल होने लग गई अरे वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि वो पब्लिक को पता चल गई सबको पता चल गई सब लोग उसको यूज कर रहे हैं तो भाई मुझे अपना कुछ आगे बढ़ाना है, है। यस तो पर एक तो हमने अनकनवेंस बात कर ली बट यहाँ पर यहां ना एक चीज और मैं लोगों को थोड़ा थोड़ा विचार करने बोलूंगा अब टी में आज सबसे अधिक काम चार हजार लॉट का हो रहा है बट अच्छी बात है बाजार पूरा फोकस कर रहा है पर उससे अच्छी बात पता क्या है ये लुपिन कभी भी सात सौ लॉट का काम नहीं करता है ये हमें कैसे पता चलेगा आप जब डेली ये करोगे आपको आइडिया हो जाता है ना भैया ये तो सौ लॉट का ही काम कर रहा है एवरीडे आज इसमें क्या हो गया सात सौ लॉट का काम होने लग गया वॉल्यूम वॉल्यूम जिसे कहते हो कर, ये is a, is a, अच्छा, देख ये ओआई 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 इज इज अच्छा देख है ओपन इंटरेस्ट है ओके आप आप अगर अगर जाओ और और ओआई प्राइस देखो तो दो परसेंट प्राइस चेंज हुआ है

ये 700 लॉट वही सौदा लग रहा है लोगों का ठीक है तो इस पे हम जाएंगे और एनालाइज करेंगे अब दूसरा इसी पे दूसरी ये नि... सिंपल चीज आपने भाव कॉपी से निकाल ली इसमें हमने एक डाटा और निकाला दो भाव कॉपी मैच किया है कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट का प्राइस का ओ, ओ, ओ एच एल सी क्या है ठीक है तो मतलब देखो ये ये लूपिन में 700 लॉट का काम हुआ है हमारा कन्वेंशनल जो थॉट प्रोसेस था कि

तो आपका नॉर्मल डेविएशन हो गया okay. हो है ना तो हर दिन पांच सौ चार सौ है कि इट्स नॉट द द नॉर्मल नॉर्मल डेविएशन फ्रॉम ठीक है तो मुझे लुपिन पे जाने का दो कारण था एक सेक्टरल में वो वो प्रीफर्ड सेक्टर था दूसरा वो बड़ा आउटलायर था तो उसमें लुपिन को फोकस किया ठीक है तो ये तो एक, एक, एक सिंपल कॉपी डाउनलोड किया हमने सिर्फ लॉट को कन्वर्ट कर कर दिया है। एक हमने बैंकिंग सेक्टर भी ऐसे ही देखा था फुल फुल नेगेटिव। नेगेटिव क्या तो उसमें से कोई एग्जांपल मैं? आप देखो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हाँ, so, मतलब आपका ये है कि अगर मार्केट ओवरऑल ट्रेंड में है नॉट अ अप ट्रेंड में है,

मार्केट okay, तो हाँ, एक ऑप्शन हमने, ऑप्शन हमने भी बना रखा है example, आ, है है फॉर ये मैं दिखाता का ठीक अगर आप देखो तो तीन हजार लॉट का कॉल में बिल्टअप हुआ है हमने सारे स्ट्राइक्स ऐड कर दिए इसके सामने पुट में सिर्फ हजार लॉट के बिल्टअअप हुए हैं नो आई नो कि एक के सामने तीन का काम हो रहा है अब मुझे सिर्फ ये पता करना की ये तीन हजार लॉट का बाइंग है या सेलिंग है अगर कॉल की सेलिंग है मान तीन कॉल और एक पुट तो ये बैरिज सिग्नल है मेरे लिए अगर तीन कॉल का बाइंग है सामने एक पुट है तो बोलिज सिग्नल है अब आप ये ये डिकोट कर लो कोई ट्रेड निकल गए कल के लिए अब आप बोलोगे डिकोट कैसे करना है हाँ। तो आपको थोड़ा सा ग्रिक्स का नॉलेज होना है

ये जैसी तेल के व्यापार में है। तेल का भाव बहुत बढ़ सकता है तो अगर कोई कॉल सेलर है तो फंस जाएगा तो कॉल सेलर तो इसमें ये टेल्स तो यू कि आज जो जो इसका इसका वोलाडिलिटी है ये पिछले एक सालों में पे था वाज इट और दिन आज वोटी है आज, आज within the lowest in the last one year. ईयर ओके इफ यू the इन top टॉप ऑफ द लाइक टॉप वॉलिटी पीरियड ऑफ द लास्ट वन ईयर देन यू डोंट शॉर्ट एन आपको पता है can put me in trouble. तो हमें बस simply ये करना है पहले पता करना है ये imbalance कितना है तो अभी imbalance पता है three is to one. या तो तीन to one में buying हो रहा है या तीन to one में selling हो रहा है अब आई भी परसेंटाइल देख लो जाकर के अगर एलिवेटेड है तो भाई कोई नो बडी डेयर टू सेल तो बाइंग नहीं हो रहा होगा तो तीन कॉल बाइंग हो रहा है एक फुट बाइंग हो रहा है

आप पता है ये तीन महीना पहले मेरे पास अवेलेबल था ट्रेड करने के लिए तो वो तो टोटल तो तो आउटस्टैंडिंग मुझे कोई फायदा नहीं क्योंकि उसमें तो तीन महीना पुराना रेटा भी हो सकता है ना हम सिर्फ फोकस करेंगे आज क्या हो रहा है बाजार में तो आज मुझे पता है तीन हजार लॉट के काम हुए हैं तो मैं फोकस करूंगा तीन हजार बाएंगे या सेलिंग सिंपल तो मैं एक बार इसको पूरे फ्रेमवर्क को दोबारा से रिपीट करता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए पहले मार्केट क्वांटिफाई कर लो फिर सेक्टर क्यों सेक्टर क्योंकि आपका जो भी मेथड है स्टॉक सिलेक्शन का इट विल गिव यू बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट तो वो आप मार्केट से क्लियर कर लोगे और सेक्टर क्या है लॉन्ग में ही आपको पांच पांच स्टॉक मिल गए अब पांच में कौन सा लेना है तो सेक्टर विल हेल्प यू टू दैट ठीक है और उसके बाद आज जैसे हमने एग्जाम्पल देखा देखो ये ये जो तीन हजार लॉट है एक लॉट अगर ऑप्शन शॉर्ट भी है तो दो लाख रुपए लगते हैं आप तीन हजार से तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितने बड़े लोगों ने ट्रेड लिया और बड़े लोग ट्रेड लेने में पहले बहुत रिसर्च करते हैं डेटा so, you know, uh, I mean uh, तो so, uh, so, ये रहा मैडम आज का स्ट्रैटेजी डेटा uh, के बेस पे राज ये नहीं होगा इसके लिए मुझे आपको कम से कम तीन चार बार तो बुलाना दिल्कुण पड़ेगा दिल्कुण। तब जाके एक एक काम, मैंने, मैंने, अगर आप, अगर... ये काम जरूर हुआ है कि हमको एक आइडिया मिला कि इस तरह से भी हम डेटा को एनालिसिस करके और लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप के साथ में कौन सा शेयर में अच्छी चाल आ सकती है वो हम देखो ये मैंने काफी सारे टाइप बनाए थे यहाँ पे ठीक है एक टाइप जो टेक्निकल एनालिसिस वाले बड़ा पसंद करेंगे जैसे ये वोराटिलिटी टैब हमने बनाया है ये आप लोग यू डू दिस एवरी डे ये भी सिंपल है मैंने कुछ बहुत मेहनत नहीं की मतलब बाकी सब तो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा यू नीड सम सम मोर यू नो टाइम टू अंडरस्टैंड बट ये बहुत सिंपल है देखो ये हमने क्या किया है आज का प्राइस क्या है सिक्सटी नाइन एटी फोर इसका पाँच डे मूविंग एवरेज जस्ट फोर्टीन रुपीज़ लो टेन डेज मूविंग एवरेज जस्ट थ्री रूपीज़ ट्वेंटी डेज मूविंग एवरेज जस्ट फाइव रूपीज़ एब सो एवरीथिंग विच इज वेरी क्लोज दिस थिंग वी हैव केप्ट रेडी ऑन माई स्क्रीन मैंने अपने ब्रोकर टर्मिनल पर लगा दिया इन के ऊपर जाए तो एलर्ट कर देना नीचे अलर्ट कर देना आई एम गुड तो अब तो आप देखो मैंने काफ़ी सारे डेटा हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं पर आज 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 जो हमने ऑप्शनस की बातें करी फ्यूचर की बातें करी वो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ईजी है बनाना बाकॉफिस है

क्योंकि तो हम सोचते यार चार पांच मिनट कितना आज की मैं बात कर रहा हूँ जब बाजार खुला तो वोल्टास दो परसेंट ऊपर था हमने कहा यार अब क्या ही लेना है पर वो पांच छह परसेंट ऊपर तक गया बाद में तो वो अफसोस होने से बेटर है एटलीस्ट बी इन द गेम विद अ कुशन और विद अ सेफगार्ड ओके तो

एक व्यूअर्स के दिल की बात पूछती क्या ये होली ग्रेल सिस्टम है नहीं होली ग्रेल तो कोई भी नहीं है <laughs> <laughs> होली ग्रेल नहीं है बट मैं देखो व्यूअर्स मैं मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और सही हूं, मैं बहुत लोगों से बातें भी करता हूँ लोग बहुत वेट करते हैं व्हाट्सअप पे टीवी पर यू नो टेलीग्राम पे कि ट्रेड मिल जाए उससे बेटर आप अपना एक सिस्टम डेवलप कर लो ये तो को भी बनना बहुत ईजी है है ना तो होली ग्रेल नहीं है बट इट इज स्टिल बेटर देन ट्रेड आप या तो अक्टर बम्बे पूरे पर वो ट्रेड ले लो एक तरीका डेवलप कर लो ये तरीका इजी है भाव ये ये आप जो बोल रही है मुझे याद आया 1992 में या वो टाइम की बात है जब भाव कॉपी आती थी तो मैंने सुना था कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसको बुला के बैठाते बच्चा जि उंगली रख दे वो जिसमें उंगली रख देता था अगले दिन वो खरीद लेता था

हजार लॉट का सौदा लगाया वो तो बड़े बड़े कॉलेजेस से पड़काए होंगे अच्छा खासा रिसर्च किए होंगे तभी तो लख करोड़ रुपए राइड कर रहे हैं ना तो हम तुमको कॉपी कर रहे हैं ना जब टेलीग्राम ही कॉपी कर रहे हो तो बड़े ये मेथड कॉपी कर लो उनका पोजिशन कॉपी कर लो ये भाव कॉपी मुझे कहां से मिलेगी मैडम सिंपल है आप एफ भाव कॉपी टाइप करो गूगल में मिल जाता है डेली आता है

और राइटिंग बाइंग ओवरनाइट ये वो इस तरह की बातें करते हैं कि मतलब कभी कभी मुझे भी डर लगने लगता है कि क्या मार्केट इतना फास्ट हो गया कि हम पिछले तीस चालीस साल में मैं इतना बात नहीं कर पाई ऑप्शंस की जितना आज एक बीस बाईस साल से भी कम का बच्चा आता है और बिटकॉइन या ये समझो क्रिप्टो और इस टाइप के ऑप्शंस की और डेटा की और ये कॉन्ट्स की और ये सब बात बड़ी बड़ी करके एंड बड़ी इनकम की बातें करता है तो आप जो ये डेटा दिखा रहे हो क्या वो लोग भी इसी टाइप का कुछ देखते हैं एक तो आ, अच्छी बात है कॉलेज के लड़के आके बाजार में इंटरेस्ट ले रहे हैं आ, पर आ, देखो वो उनका बहुत सारा जो थॉट प्रोसेस है इज इज कॉपीड आप तो आजकल इंटरनेट पे इतना कंटेंट है कि आप आप बस पढ़ सकते हो दिन भर और सीख सकते हो पर उस पर आपको अपना बिल्ड करने के लिए पांच साल चाहिए होता है ओ। किसी भी मेथड पे आप अगर जैसे ये ये भाव कॉपी है आ। हमने एक बनाया आप देखोगे तीन चार साल बाद आपको कोई ना कोई मिल जाएगा वीडियो पे कमेंट करता हुआ कि उसको हमने और अच्छा बिल्ड कर लिया है वो तो होगा वो ओवरनाइट नहीं होगा वो सीखने में दो तीन साल लगते हैं मैंने ठीक है देर आर शॉर्टर लर्निंग का बिकॉज ऑफ द द कॉन्टेंट ऑफ़ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट और और लोग भी रेडीली अवेलेबल है सिखाने के लिए बट अगर अगर जो नेचुरल लर्निंग का होता है वो तीन चार साल होता है किसी भी चीज़ का यू नो ठीक है अब 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 फास्ट हो गए हैं दो साल है पर ओवरनाइट नहीं सीख सकते ये बच्चे इनको आते हैं बातें करते हैं

टू शो ऑफ आजकल कल शो ऑफ बहुत होता है यू नो डू समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू डू बी अ डेटा ड्रिवन मेथड और कोरिलेटेड मेथड रिलेटेड द डेटा तो तो जो नए लड़के आते हैं आप आपके पास तो बहुत सारे बहुत सारे सीनियर्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे उनसे बातें करो वो जो बताएं उस पर बिल्ड कर लो अपना

भाव कॉपी जो कि जहाँ तक मैं मुझे याद आ रहा है बैक माय एरा ऑफ़ 1986 तब भाव छपा करती थी, उसी के से हम भाव लिख के और पॉइंट्स बना के चार्ट बनाते थे डॉट टू तो डॉट कनेक्ट करते थे आज भी डेटा दे रही है और उसी से हम ट्रेड कर रहे हैं ये आज हमने आपसे पहला आप पार्ट सीखा एक है और मैं, ये आ...

अभी हमने भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है हमने सिर्फ उसको अपने पुराने मेथड से कंफर्टेबल बनाया है बट इसको एक्सप्लोर करो तो इसमें बहुत कुछ है तो माय फ्रेंड्स इतने से से तो अपना काम चलने वाला है नहीं हमारी नॉलेज की भूख जिज्ञासा और बढ़ गई है क्योंकि ये जो स्टाइल है इट इज नॉट टफ और ईजी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बट आगे इसको और कैसे एनहांस करें आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं राजेश भाई को अगेन सेकंड पॉडकास्ट में लाके और ये पूरा का पूरा एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में इनसे डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के दीजिए आपके व्यूज़ आपके लाइक्स ही मुझे बताएंगे अदरवाइज आप हापके और हमारे बात करने का तो कोई जरिया है नहीं जो है कमेंट बॉक्स और व्यूज है उसी के थ्रू मैं ये जान सकूंगी कि राजेश जी को सेकेंड पॉडकास्ट के लिए लाया जाए और इसी डेटा की डीप एनालिसिस करी जाए थैंक यू राजेश जी आपने अपना समय निकाल के हमें दिया वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम बुलाने के लिए तो जब भी आप और हमारे भी हो चाहेंगे मैं दोबारा आऊँगा थैंक यू सो काइंड ऑफ यू एंड वील ऑलवेज कीप ऑन कॉलिंग यू बिकॉज हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो नॉलेज बेस है और हम नॉलेज को ही एनहांस करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं सिंपल नॉलेज नॉट कॉम्प्लिकेटेड और इससे सिंपल फिगर से डेटा को क्रंच करना इससे सिंपल नहीं हो सकता Thank you very much.